नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शाहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ये नया एक जो है ऑर्डर आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फाइनेंशियल सर्विस डिवीज़न की तरफ से। 13 जुलाई का ये ऑर्डर है, 13 जुलाई 2022। ये ऑर्डर है RD के शेड्यूल्स जो MPKBY एजेंट्स जो लेके आते हैं उनकी प्रॉपर पोस्टिंग के रिगार्डिंग ये ऑर्डर आया है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं ऑर्डर को क्या है। उससे पहले दोस्तों, जो RD के एजेंट के जो लोट होते हैं उनको कैसे पोस्टिंग करते हैं उसको देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पे लिंक आ जाएगा। वो कैसे पोस्ट करते हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। HAGT EXP जो मेन्यू होता है उसकी प्रॉपर प्रोसीजर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं इस ऑर्डर में क्या लिखा है। तो दोस्तों, ये जो है सभी हेड ऑफ सर्कल्स और रीजन्स को भेजा गया है। इसमें क्या है कि दोस्तों, प्रोसीजर दिया गया है क्या होते थे कि जो RD के लोट्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जब आप पोस्टिंग करते हैं तो उसमें काउंटर PA के पास तो पूरी अमाउंट दिखा देता है। जैसे कोई भी लोट 20,000 का है तो काउंटर PA के पास 20,000 के अगर 18 अकाउंट्स हैं उसमें लिस्ट में तो टोटल उतना ही दिखाएगा। लेकिन जब सुपरवाइज़र उसको वेरीफाई करेगा तो वेरीफिकेशन के टाइम पर वो पूरी अमाउंट नहीं आती वहाँ पर। 20,000 है तो कुछ अमाउंट लेस आ जाएगी, 18,000 आ जाएगी या फिर 15,000 आ जाएगी, और जो अकाउंट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। यानी कि पोस्टिंग के टाइम पे जो वेरिफिकेशन होती है तब वहाँ पे कम अमाउंट शो करती है। तो उसके रिगार्डिंग क्या होता था, जब हम वेरीफाई कर देते थे तो एजेंट का जो कमीशन है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता था। तो उसके रिगार्डिंग जो है दोस्तों सॉल्यूशन दिया गया है, क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले एक प्रोसीजर दिया गया है, तो प्रोसीजर A जो है वो देख लेते हैं। तो इस प्रोसीजर के हिसाब से दोस्तों आपको बताया गया है कि जब आप काउंटर PA उस अकाउंट एजेंट रोल जो होता है उसको जब पोस्टिंग कर देते हैं शेड्यूल को, तो उसके बाद जब वेरिफिकेशन को जाते हैं अगर वहाँ पे आपको पूरी अमाउंट दिखाई दे रही है सुपरवाइज़र को, तो जो है RD शेड्यूल को वेरीफाई करें। अगर आपको वहाँ पे अगर पूरी अमाउंट नहीं दिखाई दे रही है या फिर अकाउंट कुछ भी लेस दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपको उसको वेरीफाई नहीं करना है, उसको कैंसिल कर देना है और बाद में ऐसे ही आपको काउंटर PA को उसको हैंड ओवर कर देना है। काउंटर PA जो है क्या करेगा, दोबारा से उस मॉडिफिकेशन करेगा उस शेड्यूल की और उसको दोबारा से पोस्ट करेगा। तो दोबारा से पोस्ट करने के बाद में जो सुपरवाइज़र के मेन्यू में वहाँ पे जो भी अकाउंट्स जो है पोस्टिंग में नहीं आ रहे थे तो इस टाइम पे वो वहाँ पे पोस्ट हो जाएंगे। और बाद में फिर सुपरवाइज़र को फाइनल वेरिफिकेशन करनी है, तो अब जो फाइनल वेरिफिकेशन करेगा तो उस टाइम पे उसको सभी अकाउंट्स जो है वहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी और टोटल फाइनल अमाउंट दिखाई देगी, तो उस टाइम पे वो वेरिफिकेशन कर सकता है। तो दोस्तों, जब तक वो अमाउंट जो है पूरी नहीं आए तो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करनी है। तो ये जो है प्रोसीजर A, इसको फॉलो करना है, ये सभी को बोला गया है। तो यहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया है कि ऐसे कोई भी जो MPKBY एजेंट्स के जो भी शेड्यूल आते हैं तो ऐसे शेड्यूल्स को वेरीफाई ना करें जो कि आपको कम अमाउंट दिखाएंगे या फिर अकाउंट्स जो हैं वो लेस दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपसे वो गलती से पोस्ट हो जाते हैं तो उस केस में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो प्रोसीजर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो वो चलिए वो प्रोसीजर भी देख लेते हैं, वो प्रोसीजर आपको क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोसीजर आपको तब फॉलो करना है जब वो शेड्यूल जो है आपसे पार्शियली पोस्ट हो गए हैं। पार्शियली पोस्ट का मतलब है कि आपको जो एजेंट ने जो अमाउंट दी थी उस अमाउंट से कम अमाउंट का आपको पोस्टिंग में वो अमाउंट हुई है वेरीफिकेशन। तो दोस्तों, इस केस में आपको क्या करना है, तो ये प्रोसीजर दोस्तों आपको दिया गया है। तो इस केस में जो है वो अपने जो पार्शियल जो कमीशन है वो नोट कर लेना है, कितना कमीशन उसको क्रेडिट करना है अलग से जो पार्शियल अमाउंट जो हुई है। मान लीजिए आपके पास 20,000 का लोड था लेकिन 18,000 अमाउंट जो है वो वेरीफाई हो गई है, 2,000 रुपये जो है वो वेरीफाई नहीं हुए, तो उनका जो कमीशन बनेगा 2,000 रुपये का और वो 2,000 अमाउंट वो नोट कर लेनी है। और आपको जो है एक ईमेल सेंड करनी पड़ेगी, थ्रू CPCA ईमेल जाएगी। ईमेल किसको भेजनी है, EOD CEPT को जाएगी। उनकी ईमेल ID यहाँ पे दी गई है eod.cbscept@indiapost.gov.in। तो ये इस पर आपको मेल करनी पड़ेगी और नीचे परफॉर्मा दिया गया है। इस परफॉर्मे में आपको जो है
ये मेल भेजनी है परफॉर्मा बना के। तो परफॉर्मा में आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले डिटेल्स लिखनी है आपको पार्शियली पोस्टेड आरडी शेड्यूल्स की। उसमें आपको नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस का नाम आएगा जिस पोस्ट ऑफिस में ये जनरेशन हुआ है आरडी का शेड्यूल, और सोल आईडी लिखनी है। उसके बाद में ऑपरेटर की यूज़र आईडी आपको लिखनी पड़ेगी किस यूज़र आईडी में वो पोस्ट हुआ है, और उसके साथ में सुपरवाइज़र की यूज़र आईडी आपको लिखनी पड़ेगी जिसमें उसको पार्शियली वेरीफाई किया है। नीचे ये कुछ टेबल दी गई है, इसमें सबसे पहले शेड्यूल्स जो है रेफरेंस नंबर वो जो आपको एजेंट के रोल पे होता है C1080 को मिल जाएगा वहाँ पे, तो वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ डिपॉजिट लिख देनी है किस डेट को वो पोस्टिंग करी है। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने अकाउंट्स थे उसमें टोटल शेड्यूल में वो आपको नोट कर लेने हैं। शेड्यूल की अमाउंट कितनी बनी है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है, और कितने अकाउंट्स जो हैं वो पार्शियली पोस्ट हो गए हैं, यानी कि समझ लीजिए 10 अकाउंट्स थे और 8 अकाउंट पोस्ट हो गए हैं, 2 बच गए हैं, तो यहाँ पे 8 आएगा नंबर ऑफ अकाउंट्स पार्शियली पोस्टेड। अमाउंट पोस्टेड में कितनी अमाउंट पोस्ट हुई है, मान लीजिए वो 20,000 की थी, 18,000 पोस्ट हो गई है, 2,000 नहीं हुई, तो यहाँ पे वो 18,000 अमाउंट आएगी। और यहाँ पे वो कमीशन की अमाउंट आएगी जो क्रेडिट नहीं हुआ है MPKBY एजेंट के अकाउंट में, तो यहाँ पे ये परफॉर्मर रेडी करके आपको CPC के थ्रू EOD CPT को ये ईमेल कर देनी है। उसके बाद में जब EOD की टीम को ये ईमेल प्राप्त होगी तो वो क्या करेंगे, वो एजेंट की जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर्टिकुलर डे की वो जनरेट करेंगे, और वहाँ से चेक करेंगे वो इंटरेस्ट जो है उसको सेविंग्स अकाउंट में कमीशन गया है कि नहीं गया है, अगर क्रेडिट हुआ है तो कितना हुआ है। तो सब कुछ चेक करने के बाद EOD जो टीम होगी वो आपकी यूज़र आईडी में जो है वो कुछ जो मॉडिफिकेशन करेंगी, उसकी वजह से आपको जो आपका ऑफिस का अकाउंट होता है वो आपको डेबिट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और SB अकाउंट को आपको क्रेडिट कर देना है, और आपको इंटीमेट कर देगी वो आपके पोस्ट ऑफिस को और CPC को भी। जब CPC के पास से आपके पास ऐसी मेल आ जाएगी कि आप जो है अभी ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको ये प्रोसीजर दिया गया है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसमें प्रोसीजर के हिसाब से आपको दिया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स का अकाउंट है एजेंट का, और जो TDS की जो अमाउंट बनेगी वो आपको 0321 में इसमें डालनी है, और पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में उसको एजेंट का कमीशन ट्रांसफ़र करना है। तो वो जो प्रोसेस होगी वो तो आपको क्रेडिट करनी है, और आपको डेबिट क्या करना है वो करना है आपको ऑफिस की सोल आईडी और 0254 जो कि पेमेंट ऑफ कमीशन टू MPKBY एजेंट का अकाउंट नंबर है, आपका डेबिट ऑफिस अकाउंट नंबर, इसको डेबिट करना है। ये प्रोसीजर दोस्तों आपको CXFER मेन्यू से करना है। तो CXFER मेन्यू से ये प्रोसीजर कैसे करेंगे, अभी शायद इसके लिए एक क्लेरिफिकेशन आएगी, क्योंकि CXFER मेन्यू से एक बार में सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन होंगी, यानी कि एक डेबिट की और एक क्रेडिट की, लेकिन इस प्रोसेस के हिसाब से आपको टोटल 3 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेंगी, यानी कि 3 वहाँ पे अकाउंट ऐड करने पड़ेंगे। डेबिट में तो फाइनल अमाउंट जो होगी वो सोल आईडी और 0254 ये अकाउंट नंबर वहाँ पे आएगा, और क्रेडिट में आपको उसका एजेंट का एक तो सेविंग्स अकाउंट डालना है और एक ये TDS का अकाउंट डालना है सोल आईडी 0321। तो या तो आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेट ऑप्शन आपको STM दिया गया है, आप STM से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। STM में आपको तीनों एंट्री एक साथ में करने को मिल जाएंगी, तो STM से ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, दोनों प्रोसीजर आपके सामने दिखा दिए जाएंगे कि STM से वो प्रोसेस कैसे करनी है और CXFER से वो अगर प्रोसेस करनी है तो वो किस तरह करनी है। उसके बाद दोस्तों जब वो आप ट्रांजैक्शन कर लेंगे और उसको वेरीफाई करा देंगे, उसके बाद आपको जो है दोबारा से EOD टीम के पास में जो CPC जो CPT मैसूर में वहाँ पे बैठते हैं उनके पास कंफर्मेशन की ईमेल डालनी पड़ेगी कि हमने जो है ये प्रोसेस कर दी है। तो वो प्रोसेस होने के बाद में जो CPT की जो टीम है आपकी EOD की, वो आपको जो रिलैक्सेशन दी गई थी IDs में कि डेबिट अकाउंट को जो है ऑफिस के जो अकाउंट है उसको डेबिट नहीं कर सकते, तो उसको दोबारा से वैसे ही रिवर्स कर देगी, आप दोबारा से उसको बाद में डेबिट नहीं कर पाएंगे।
तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये प्रोसीजर दिया गया है। आरडी के लोट जब आपसे जो है पार्शियली वेरीफाई हो जाते हैं और एजेंट का कमीशन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो आप क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, और सबसे पहले तो आपको प्रोसीजर ए ही फॉलो करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जब वेरीफिकेशन करने जाओगे तो उस टाइम पर ऐसा कोई भी लोट आपके सामने नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा लोट आपके सामने आता है जिसमें जो पार्शियल अमाउंट वहाँ पे वेरीफाई होती है, यानी कि कम अमाउंट दिखती है और अकाउंट नंबर भी वहाँ पे लिस्ट के हिसाब से कम दिखाई देते हैं, तो उसको वेरीफाई ना करें। काउंटर पीए को हैंडओवर करें, दोबारा से मॉडिफिकेशन करें, और फिर बाद में सुपरवाइज़र उनको वेरीफाई करेगा। तो आपको ये प्रोसीजर जो है दोनों फॉलो करने हैं। अगर गलती से पोस्ट हो जाती हैं तो ये प्रोसीजर जो मैंने बी प्रोसीजर बताया है इसको फॉलो करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।